जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। हाय कोरोना कोरोना, कहां से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जारी 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 जा, कोरोना जा जारी 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 जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहां से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जारी 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 जा, कोरोना जा जारी 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 जा। श्रोताओं नमस्कार, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम दो चिकित्सकों से बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे गोरखपुर जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गुप्ता के साथ। कोरोना का हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों का हम विश्लेषण करेंगे डॉक्टर गुप्ता के साथ। इसके अलावा कोरोना जन्य लॉकडाउन के कारण हमारी मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर जो असर दिखाई पड़ रहा है, इसके विषय में बातचीत करेंगे गोरखपुर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक प्रसाद के साथ। साथ ही साथ बेचन राम और साथियों की आवाज में लोकगीत भी आप सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता के साथ इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार, इस समय हम कोरोना जन्य लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों में हैं। कोरोना ने सारे भारतवर्ष के लोगों को एक चिंता में डाला है और खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर लोगों में बहुत चिंता है। तरह तरह के बातें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, तरह तरह के भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं और लोग कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी कोरोना से जोड़कर देखने लगे हैं। ऐसे में ये जानना आवश्यक है कि कोरोना के क्या लक्षण हैं, कोरोना अगर प्रभावित करता है या उसका संक्रमण होता है तो क्या क्या विशेष लक्षण दिखाई पड़ेंगे और फिर कैसे उससे निपटा जाए। इस विषय में बातचीत करने के लिए हम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गुप्ता से टेलीफोन लाइन पर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कोरोना, यूं तो कहा जाता कि फेफड़े की समस्या है, श्वास की समस्या है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी हो रहा है, तो क्या हृदय पर भी इसका वायरस का प्रभाव हो सकता है? इसका प्रभाव जो है हृदय पे भी हो रहा है, गुर्दे पे भी हो रहा है, फेफड़े पे तो हो ही रहा है। जो है यह ओवरऑल पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर ले रहा है इसमें जो है, क्योंकि जो फेफड़े के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, इनका थोड़ा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो जिसके फलस्वरूप जो है वायरस ऐसे मरीजों को बहुत तेजी से अटैक करते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं इनको जो है। और जो शुगर के हमारे मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी हमारे बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं जो है, क्योंकि इनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा पुअर ही होता है जो है जी। तो ऐसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि ये कोरोना ये शरीर के लगभग सभी अंगों को, जो भी महत्वपूर्ण अंग है, सबको प्रभावित कर सकती है और उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है जो शारीरिक रूप से कम सक्षम होते हैं, कमजोर होते हैं। अब ये कैसे तय होगा डॉक्टर साहब कि किनका क्या शरीर में क्या क्षमता होनी चाहिए, कैसे इम्यून सिस्टम मजबूत हो ताकि वो लोग इससे प्रभावित ना हो? तो इम्यूनिटी का क्या पैमाना आप देखते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए? तो
फिलहाल जो सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं, एक तो उसमें हम सामाजिक दूरी का पालन करें, समय समय पे हाथ साफ करते रहें, हाथ धोते रहें अपना जो है हैंड वॉश जो है, उसके बाद हरी सब्जियां पौष्टिक आहार लें, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। जो पुराने मरीज हैं हार्ट के या गुर्दे के या डायबिटीज के, ये लोग अपनी दवाइयाँ समय समय पर लेते रहें। जी जी जी। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या जहाँ भी गैदरिंग हो वहाँ जाने से बचें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। घरों पर जो है सुबह शाम अपना योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट अप होगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न उठता है कि जैसे अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो सांसें फूलने लगती हैं, बुखार आता है, ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक हृदय रोगी अगर है, पहले से हार्ट का मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, और उसको कभी या तो अगर हार्ट अटैक पहले हो चुका हो या ना भी हुआ हो तो उसे हार्ट में भारीपन महसूस होता रहा हो पहले, तो इस समय उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपनी जाँच करवाते रहनी चाहिए? अगर मरीज पहले से दवाएं ले रहे हैं हृदय रोग की, तो वो अपनी दवाएं कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो संपर्क करें, अन्यथा घर पर ही बने रहें और जो दवाएं हैं रेगुलर इंटरवल पर लेते रहें, पौष्टिक आहार लें जो है, अनावश्यक स्ट्रेस से बचें। डॉक्टर साहब, ये कोरोना हमारे शरीर के तो तमाम जो आपने बताए उन पर प्रभाव डालता ही है, क्या हमारे मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी, ज्यादा स्ट्रेस लेने से या एंजाइटी ज्यादा सोचने से, अनिद्रा की वजह से जो है बहुत सारे मरीजों में मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है इस समय। तो बेहतर है कि इन सब चीजों को अवॉइड करें, प्लस जो है सरकार की जो जारी गाइडलाइंस है, सामाजिक दूरी, स्वच्छता, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, और घरों से बाहर बहुत निकले। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी हो जाती है, लोगों को तनाव हो जाता है किसी न किसी कारणवश, और अगर वो खास करके हृदय का मरीज हो, पहले से उसे कुछ इस तरह की समस्याएं रही हो, बीपी की दवा भी खाता रहो, और उसे अगर इस समय अचानक कुछ परेशानी महसूस होती है, तो एक तो घरों से निकलना नहीं है, कोरोना का भय भी बना हुआ है, और प्राइवेट चिकित्सक भी मौजूद नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल की कमी है, ऐसे में फिर उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आती है तो क्या करें? सबसे अच्छा सुझाव यह है कि बचाओ जी जी। हम अपना बचाव करें जो है, बाहर नहीं निकलें, ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की कोशिश ना करें जो विदेश यात्रा करके आया हो या कहीं बाहर से प्रवासी लोग आए हों जो है जी जी। दूसरी चीज है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी में संपर्क कर सकते हैं जो है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो आपकी 24 आवर मदद करेंगे जो है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत जोर है सरकार के जो निर्देश है उसमें भी और चिकित्सकों का, अपने इम्यून सिस्टम जो है शरीर का, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, बढ़ाने की कोशिश करें। आपने जो उपाय बताए कि योग करना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए, ये सब बातें हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता है, आम आदमी समझ नहीं पाता, गांव का या जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो इम्यून सिस्टम के मतलब नहीं समझ पाता, तो आप आम बोलचाल की भाषा में इम्यून सिस्टम को किस प्रकार डिफाइन करेंगे और उनको क्या लेना चाहिए, क्या खान पान में बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, क्या आप इसको बताएंगे, किस तरह से बताएंगे डॉक्टर साहब? सिस्टम मतलब कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमारा शरीर कमजोर रहेगा यह वायरस जल्दी अटैक करेगा और जो कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर वो पैदा करेगा, अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी तो वह उस वायरस के खिलाफ रेजिस्ट करेगा जो है। और इसको बढ़ाने के लिए इस समय हम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, पर्याप्त पानी पिए, सलाद लें, हरी सब्जियां खाएं, फलों का सेवन करें, और जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जो बताया गया है कि तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है, जी जी जी, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, आपको जो है काढ़ा पी सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे बिल्डअप करेंगी जो है। जी जी जी। और अगर कहीं पता चलता है कोरोना से प्रभावित किसी व्यक्ति का तो उसके विषय में तत्काल सूचना दें, और अगर कुछ अपने शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस होता है तो जिला चिकित्सालय में या मेडिकल कॉलेज में संपर्क करें, आप क्या कहेंगे? जिला चिकित्सालय में क्या कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं? जिला चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं जो है, और सरकार दिन पे दिन इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है जो है।
यानी उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घरों में रहें और जो निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन करें तो निश्चित है कि जी जी वो बचे रह सकेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे थोड़ा व्यक्तिगत सवाल करना चाहेंगे कि ऐसे समय में व्यक्ति जब अकेला महसूस करता है तो वो अपने घरों में चूंकि काफी लंबे समय से रह रहा है तो उसके सामने कुछ अपने मन को बहलाने की समस्या होती है, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा, आप भी घर में रहते रहते थोड़ा उबते होंगे, तो आप किस प्रकार से अपना मन लगाए रखने का प्रयास करते, क्या करते हैं आप? तो मैं भी या तो संगीत सुनता हूँ, बच्चों में गार्डनिंग या टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना जो है, या पुराने बुक्स पढ़ना जो है। जी 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 जी। तो जो आपकी हॉबीज हैं, जिसको आप छोड़ चुके हैं, उसको पूरा एडाप्ट करने का ये मौका है आपके पास। जी हाँ हाँ हाँ। आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गुप्ता, और अब आइए सुनते हैं बेचन राम और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। आवा चली खेतावा की वो रहे धन सावर गोरिया, आवा चली खेतावा की वो रहे धन सावर गोरिया, आवा चली खेतावा की वो रहे धन सावर गोरिया। आया रे सावर गोरिया, सावर गोरिया, सावर गोरिया, सावर गोरिया, आवा चली खेतावा की वो रहे धन नाचत बाटे मोर हे धन सावर गोरिया, नाचत बाटे मोर हे धन सावर गोरिया, नाचत बाटे मोर हे धन सावर गोरिया, नाचत बाटे मोर हे धन सावर गोरिया। अरे सावर गोरिया हो, सावर गोरिया, सावर गोरिया हो, सावर गोरिया, सावर गोरिया हो, सावर गोरिया। अरे आवा चली खेतावा की वो सावर गोरिया, चली खेतावा की ओर
था बेचन राम और साथियों की आवाज में एक भोजपुरी लोकगीत। और अब आइए सुनते हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक प्रसाद के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। डॉक्टर अशोक प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, चूंकि आप मनोचिकित्सा से संबंधित हैं और निरंतर आप इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, लोगों के मस्तिष्क में कुछ समस्या हो, कुछ अवसाद की स्थिति हो, या कुछ इस तरह की समस्याएं जिसमें वो अपने को समझ नहीं पाते, उनके शरीर में लक्षण नहीं दिखाई पड़ते लेकिन उनके मनोदशा ऐसी होती है कि वो परेशान रहते हैं, और उनके लिए आप बहुत बड़े सहायक के रूप में सामने आते हैं। तो कोरोना भी कुछ इसी तरह का एक बैरी है जो कि हम लोगों के ये ऐसी समस्या पैदा कर रहा है जो शरीर को तो बाद में आघात करेगा, उससे पहले हमारी मनोदशा और हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, इस कोरोना को किस रूप में आप देखते हैं सर? नहीं, आप कहना बिल्कुल सही है क्योंकि इसका एक ये एक डायमेंशन है जिसको पूरी तरह से अभी उस पे इस वक्त कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कोरोना की वजह से इतनी अनिश्चितता आ गई है, अनसर्टेनिटी चारों तरफ फैली हुई है। उस अनसर्टेनिटी की वजह से इसके काफी कुछ इसके मानसिक लक्षण सामने आ रहे हैं। इसमें अवसाद भी है, उसके साथ साथ और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो गई है, बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा लोगों को। अच्छा, और फिर जिनको सही बात ये है कि इसका रूटीन सबका डे टू डे रूटीन सबका बड़ा चौपट हो गया है, तो वो काफी लोग डिफिकल्टीज हो रही है निपटने के लिए। यहाँ पे अभी बीच में एक बहुत सारा एक तरह मेरे ख्याल से बिना सोचा एक स्टेप लिया गया कि जबकि वो यहाँ पे मद्यपान की दुकानें खोल दी गई, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था वहाँ पे। जी जी। तो उससे काफी उससे अभी मैं देख रहा हूँ उसका असर भी काफी बुरा हुआ है यहाँ पे। जी जी। तो इन सब उसे नशे का भी उसमें आ गया है, हिसाब आ गया है। प्लस इसमें कई लोग जो कि बिल्कुल स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ माने जाते थे, अब उसमें उनका टेंशन इतना तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि उस तनाव से वो डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल निकल रहे हैं। अच्छा, वो अवसाद की स्थिति है कि अवसाद को वो अवसाद की तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स की तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस इसमें जो आपके साइकोसिस के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त उभर के आ रहे हैं। जी जी। और अभी तो ये तो अभी तो ये सहानुभूति के बीच में है, इसके बाद की स्थिति और खराब होने वाली है। मेरा तो मुझे इस बात का डर है जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद काफी हम लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। सर, आप तो विदेशों में भी बहुत सारे देशों में काम कर चुके हैं, आपने मनोचिकित्सा के लिए यूरोप में बहुत दिनों तक काम किया है, अलग अलग देशों में काम किया है, वहां से भारत की स्थिति की तुलना करते हैं जब आप, तो क्या फर्क दिखाई पड़ता है? यहाँ लोग मनोरोगों के लिए कितने सजग दिखाई पड़ते हैं आपको? मनोरोगों के लिए यहाँ सजगता तो हमेशा यहाँ तो प्रॉब्लम रही है कि उतनी सजगता नहीं रही है। पहले तो कहीं बेटर है, पहले तो कहीं इसका उससे बेहतर है ये कहा जाएगा, लेकिन उतनी सजगता नहीं है। वो सही है कि वहाँ पे एक मनोचिकित्सक के पास जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, चले जाते हो। यहाँ पर मनोचिकित्सक पहुँचना ही एक बहुत चीज है, एक तरह से उससे अपना अपना सामाजिक रुकाव रहता है कि आगे मनोचिकित्सक से पहुँचना जाए। जी जी जी। तो ऐसे में तो भारत में लोगों की जो मानसिक दशा जिसकी ओर आप इशारा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत कठिन दौर आ सकता है, बहुत कठिनाई हो सकती है, तो क्या क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं कि अगर उस पे समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, दिक्कतें तो जैसे अनसर्टेनिटी के आ जाएगा, इस वक्त पूरी तरह से इलाज भी नहीं चल रहा है, पूरी तरह से इलाज क्या पहले इस वक्त उनके असेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जा नहीं पा रहे हैं लोग क्लिनिशियन के पास, जा नहीं पा रहे हैं, और ठीक है टेलीफोन बात हो जाती है लेकिन टेलीफोन पे इनिशियल असेसमेंट, प्राथमिक असेसमेंट टेलीफोन पे नहीं होता, खासतौर से साइकाइट्री में। उसमें मरीज सामने रहना चिकित्सक के सामने बहुत आवश्यक होता है। बासा चला जाएगा तो उसके बाद में उसको उतना ही मुश्किल होगा, क्रॉनिक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस बीच में जो ये फिजिकल सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं लोगों के, जो कि तनाव को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, पहले अच्छी तरह से स्वस्थ थे, अब उनके फिजिकल सिम्टम्स कई आ रहे हैं। अच्छा, वो जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन करा ले रहे हैं, सब नॉर्मल आ रहा है,
अच्छा, वो इसी के तनाव की स्थिति के हैं, वो सब वो पूरे आ रहे हैं पूरे। अच्छा, इसमें अनिद्रा बहुत ज्यादा हो गई है लोगों को, तनाव बहुत ज्यादा, लोग सो नहीं पा रहे हैं। उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स में मैं देखता हूँ कि काफी इस वक्त उसकी वजह से जो शारीरिक सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा उभर के आ रहे हैं लोगों को, बेचैनी वगैरह। जी जी जी, अनिद्रा का एक कारण ये भी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना कम हो रहा है, शारीरिक श्रम बहुत कम हो जा रहा है, तो शरीर में थकावट नहीं हो रही है, तो नींद भी कहाँ से आए। और जो घबराहट है, जो अपने अनिश्चित स्थितियों को लेकर है कि उनके कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, आमदनी रुकी पड़ी है, और काम जब नहीं हो रहा है तो भविष्य की चिंता है, उनके परिवार को पालने की चिंता है, तो ये सब जो समस्याएं हैं इससे भी अनिद्रा बढ़ रही है। सर, क्या करना चाहिए लोगों को फिर ऐसी स्थिति में, अगर अनिद्रा है, अवसाद है, उनके सामने अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए उनको? इस वक्त जो कि जिस तरह से तनाव कम हो, तनाव जितना कम से कम हो सके उसकी चेष्टा करनी चाहिए। किसी चीज से अगर तनाव कम हो जाए तो इसमें ये योग हो सकता है, अच्छा उसके बाद मेडिटेशन हो सकता है, तो ये सब चीजें कि अगर इसमें काफी फायदा करें, कम से कम अपना मतलब पूरी तरह से तो उसका नहीं रहेगा, लेकिन काफी हद तक जो कि अगली स्टेज का है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, योग और मेडिटेशन ये बहुत सहायक हो सकते हैं। सर, इसमें लोगों को मन लगाने के लिए भी आप कुछ सुझाव देंगे क्या कि वो अपने घरों में रहकर ही अपने मन को प्रसन्न करने वाले कुछ कार्य करें, जैसे साहित्य संगीत वगैरह की बात अगर करें तो? नहीं, कहना आपका सही है, लेकिन सबका झुकाव अलग अलग एक्टिविटीज में रहता है ना। जी, जी। कुछ लोग उनको किताब पढ़ने से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, किताब कर ही नहीं पाते, वो कोई ऐसी एक्टिविटी रहनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा आनंद आए, और वो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। हाँ। उसमें जब आप करेंगे तो उसमें रहेगा। तो आप क्या सुझाव देंगे, लोग कैसे पहचाने कि वो किस चीज से रिलैक्सेशन, अपने दिमाग में रिलैक्स महसूस कर सकेंगे, क्या करना, कैसे वो पहचान करें अपनी स्थिति को? जब वो देखेंगे कि उनकी रूटीन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग सो जाते हैं 11-12 बजे, अच्छा वो रात के अगर 3 या 4 बजे सो रहे हैं तो मतलब ये सोचने की बात है कि वहाँ परेशानी होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा सिर्फ भारीपन किसी का हो रहा है तो उसमें ये करने की बात है। अच्छा, कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि जो कि नॉर्मली कंसंट्रेट कर लेते हैं तो उसमें भी ये परेशानी की बात है। मतलब ये छोटे छोटे अपने ओवरऑल पैटर्न और बिहेवियर में अगर कोई देखे कि कुछ बदलाव आ रहा है, जो कि रूटीन बदलाव है, तो वो एक तरह से एक वार्निंग सिग्नल हो जाता है इसी से कि मतलब कोई चीज सही नहीं जा रही है। जी 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 जी। और उस स्थिति में क्या वो अपने घर पे रहकर ही अपने को इससे उबारने का प्रयास करें कि उनको किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये सही तो रहेगा कि चिकित्सक से सलाह लेने तो वो भी हो, उसकी भी गुंजाइश इसमें कम है। जी जी, चिकित्सक से टेलीफोन पर जितना हो सके उतना करें, मतलब ये पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना किया जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, लोग ऐसे तो लोग तरसते रहे हैं पहले भी कि घरों में रहने की फुर्सत नहीं मिलती, हमें सुकून नहीं मिलता, हमको आराम नहीं मिलता, हम काम में इतना भागदौड़ करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लोग कहते हैं कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें खाने की फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त रहते हैं। और आज जब उनको फुर्सत मिली है तो वो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमारे पास आराम हो गया है, हमें काम ही नहीं है, काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर से हम वही परेशानी। तो क्या इसको कहा जाए कि ये जो सोच है आदमी के अंदर, ये वास्तव में एक मानसिक समस्या है उनकी, क्या कहें? खाली इसी सोच की वजह से कोई मानसिक समस्या नहीं मानी जाएगी। ये अक्सर लोग कह देते हैं कि जो अगर एक रूटीन उनका रहा हुआ है, उस रूटीन से कई बार वो सोचते हैं कि उस रूटीन में इतना रम जाते हैं कि कहते हैं कि ठीक है हमें छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन छुट्टी वो उसकी चेष्टा भी नहीं करते, वो कहने की बात होती है और वो चाहते भी नहीं है कि उनको छुट्टी मिले। अच्छा, और दूसरे छुट्टी का मालूम भी नहीं कि छुट्टी क्या और छुट्टी में क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो लोग वर्कहोलिक होते हैं। हाँ हाँ। कहने के लिए कह दिया कि उनको छुट्टी चाहिए, लेकिन वो जानते नहीं कि छुट्टी के वक्त कुछ दिनों के बाद फिर से उनको वापस लौटने का अपना ही रूटीन में आ जाने के लिए, मतलब वो छुट्टी रहे तो टेम्पररी छुट्टी चाहते हैं कि ठीक है 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले लिया, जी, लेकिन जी, दो जी। महीने के लिए अगर कोई कह दे जी।
मतलब अगर कोई 2 महीने का ब्रेक तो नॉर्मल ब्रेक नहीं ना माना जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं 10 दिन की छुट्टी लेके कहीं चले गए, चेंज ऑफ सीन के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं ना है। यहाँ तो 2 महीने तक वही चीज है और चेंज ऑफ सीन क्या हो रहा है, आप कमरे में एक तरह से नजर बंद, ये सब चीजें देख के चलना पड़ता है। जी जी जी, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को आराम की भी आवश्यकता है, लेकिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना ज्यादा लाभदायक होगा। डॉक्टर अशोक प्रसाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और हमारे श्रोताओं को ये समझाने का प्रयास किया कि उनको तनाव से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और अगर कहीं कोई परेशानी महसूस हो तो मनोचिकित्सक के साथ संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर अशोक प्रसाद, आपने हमसे टेलीफोन लाइन पे बातचीत की, हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और लोकगीत, कलाकार हैं बेचन राम और साथी। हरे का रहना नैहरे का रहना अब बिना पियानी को नाही, नैहरे का रहना बिना पियानी को नाही, नैहरे का रहना बिना पियानी को नाही, नैहरे का रहना नैहरे का रहना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना। पहला बियाह हमरे स्वामी जी से होई हो गई ले, पहला बियाह हमरे स्वामी जी से होई हो गई ले, पहला बियाह हमरे स्वामी जी से होई हो गई ले, स्वामी जी से होई हो गई ले, सतगुरु से होई हो गई ले, पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना नैहर कराना नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही। असले हारा मिला समझावे, सभी असले हारा मिला समझावे, सभी असले हारा मिला समझावे, मिला समझाव रामा मिला समझावे, मिला समझावे रामा मिला समझावे, मिला समझावे रामा मिला समझावे। आई हवा का पात जाके कहना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना नैहर कराना नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही, नैहर कराना बिना पियानी को नाही। सुनली है गुना गुना जब सैया सुनली है
इसी के साथ हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नवीन अंक के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें, नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहां से आया कहां से आया कहां से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।